नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि कोरोना संकट के चलते हुए जो स्कूल है वो मार्च से बंद पड़े हुए हैं। जिनको सरकार ने खोलने के आदेश दिए हैं उन्होंने कहा है कि जो स्कूल है वो 15 जुलाई के बाद खुलेंगे। जो एक दिन में 50% बच्चे ही आएंगे। सूत्रों के मुताबिक एक दिन में 33% या 50% बच्चे ही स्कूल जाएंगे। इसका जो फैसला वो राज्य सरकार और स्कूल प्रशासन तय करेंगे कि कितने बच्चे बुलाने हैं। छात्रों की संख्या के आधार पर हाथ धोने की सुविधा, टॉयलेट, पीने के पानी के नल इत्यादि बढ़ाने पड़ सकते हैं। 50% छात्रों का फॉर्मूला लागू करने वाले स्कूलों में छात्र सप्ताह में 3 और 33% का फॉर्मूला, लागू करने वाले स्कूलों में सप्ताह में 2 दिन ही स्कूल जाएंगे, बाकी दिन ऑनलाइन पढ़ाई होगी। संक्रमण की स्थिति के आधार पर जून के अंतिम सप्ताह में गाइडलाइन का रिव्यू होगा, उसके आधार पर स्कूल खोलने की तारीख में बदलाव भी हो सकता है। स्कूल खोलने या नहीं खोलने का अंतिम फैसला भी राज्य और स्कूल प्रशासन अपने स्तर पर ही लेंगे। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि गाइडलाइन में स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जाएगा। प्राइवेट स्कूल के जनरल सेक्रेटरी भरत अरोड़ा ने कहा कि गाइडलाइन मिलते ही वे एसओपी तैयार कर लेंगे। उधर दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने कहा कि संक्रमण कम नहीं होता है तो स्कूल नहीं खोलने चाहिए। एक से ज्यादा एंट्री एग्जिट पॉइंट, तो इसमें स्कूल खोलने से पहले 2 हफ्ते तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। बच्चों को भी स्कूल में ध्यान रखी जाने वाली बातों की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूल में एक से ज्यादा एंट्री एग्जिट पॉइंट बन सकते हैं। हर क्लास के लिए टॉयलेट और पानी पीने की जगह तय होगी कि कहाँ पर कौन सी क्लास को जाना है। दूसरे छात्र वो वहाँ नहीं जा सकते। अगर किसी क्लास में कोई संक्रमित मिलता है तो इस व्यवस्था के चलते सिर्फ एक क्लास के बच्चे को ही क्वारंटाइन करने पड़ेंगे, ना कि सभी क्लास करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो जो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है हम आपको तुरंत ही बता देंगे।